भारत और नेपाल की नजदीकी से भड़का ड्रैगन। चीन को खटक रही है प्रचंड मोदी की दोस्ती। चीन ने भारत को दी चुप बैठने की धमकी। एक तरफ जहां नेपाल के पीएम प्रचंड 23 मार्च से 5 दिनों के लिए चीन के दौरे पर जा रहे हैं, तो वहीं चीन के अखबार ने नेपाल चीन के बीच बढ़ती दूरियों का जिम्मेदार भारत को ठहराया है। माना जा रहा है कि प्रचंड के दो बार भारत का दौरा करने से और जिस तरह से काठमांडू में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया, उससे चीन पूरी तरह से बौखला गया है। चीन ने भारत पर एक नहीं बल्कि कई गंभीर आरोप लगाए हैं। श्रीलंका और भूटान के साथ संबंधों में आए खटास के पीछे चीन ने भारत को जिम्मेदार ठहराया है। इतना ही नहीं, प्रचंड के जरिए चीन ने भारत पर औली सरकार को गिराने का भी आरोप लगाया है। ड्रैगन ने खुलकर भारत को धमकी दी है कि अगर उसने दक्षिण एशिया में पांव पसारने की कोशिश की तो वो चुप नहीं बैठेगा। हालांकि इसके पीछे चीन ने दलील दी है कि भारत ही है जो दक्षिण एशिया और हिंद महासागर को अपनी जागीर मानता है, ऐसे में उसकी बेचैनी स्वाभाविक है। बता दें कि वन बेल्ट वन रोड पॉलिसी के तहत चीन नेपाल और श्रीलंका होते हुए सड़क मार्ग का निर्माण कर रहा है। इसके लिए उसने नेपाल और श्रीलंका के हवाई अड्डों, सड़कों, रेलवे और बंदरगाहों पर भारी निवेश किया है। ऐसे में भारत की नेपाल और श्रीलंका से बढ़ती नजदीकियां उसके लिए परेशानी का सबक बनी हुई है। NMF न्यूज की रिपोर्ट।